नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों 10 दिन पहले मैंने ये जो गुलदाउदी के पौधे, ये कटिंग मैंने लाया था बगान से, और ये देखिए हमारे ये ग्रो किया था। मैंने आप बता रहा हूँ कि ये पार्ट टू वीडियो है। पहले हमने जो गुलदाउदी के पौधे प्लेन मिट्टी में या फिर थोड़ी सी कॉम्पोस्ट अगर चाहे तो दे के आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए 3 इंच के गमले मैंने ग्रो किए। आज आपको 3 टिप्स बताऊँगा कि ये सेकेंड फेज के वीडियो में आपको क्या करना है। अभी आप मेरे साथ साथ ग्रो कीजिए। ये जो पौधे हैं करीब ये 3-4 इंच के लंबे हो गए हैं अभी, और देखिए ये पौधे भी ग्रो कर गए। दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा था यहाँ पर जितने भी खरपतवार है ये साफ़ कर लीजिए आप। इसके बाद आपको 3 टिप्स आपको फॉलो करनी है कि आपको कैसे इसको ग्रो करना है। ये फर्स्ट फेज का पौधा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, 4 इंच तक लंबा हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले 2 काम है। इसमें खाना देना है। खाना आपको फर्स्ट फेज के खाना जो है ये हम सरसों की खली का खाद देंगे, लिक्विड खाद। वो मैं देखा, अगर आपके पास सरसों की खली लिक्विड खाद आप नहीं बना सकते तो मैं दूसरा एक खाद जो सूखा खाद है वो भी दिखाता हूँ। वो भी आप वीडियो में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे देना है इसको। फिर आपको पिंचिंग करना है। पिंचिंग करने के बाद जो पिंचिंग के आपको ये छोटे छोटे कटिंग्स निकलेगी इसको आप फिर से ग्रो कर लीजिए, तो आपका बहुत काफ़ी टाइम है, ये पौधे काफ़ी अच्छे बड़े हो जाएंगे। आपके जो पौधे के जो साइज है ये है, ये बड़े हो जाएंगे, भूसी हो जाएंगे पौधे, और ये जो कटिंग आपकी निकलेगी ये कटिंग आपकी बड़ी भी हो जाएगी और आपको नए नए पौधे हो जाएंगे। तो आपको हम जो 100 पौधे लगाते हैं उससे हम अल्टीमेटली 400 पौधे बनाते हैं। ये भी तरीका में देखते रहिए आप, और ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा तरीका समझ में आया कि ये फेज टू यानी कि पार्ट टू का वीडियो कैसे होता है। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है। इसका खाना हम देख लेते हैं क्या बनाते हैं। चलिए सरसों की खली का खाना बनाते देते, इसको डालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। पीछे देखिए हमारे पौधे, यहाँ पर ये जो पौधे इसमें हमने खाना दे दिया है, पीछे का जो है ये हमने खाना नहीं दिया। खाना देने के पहले आपको एक दिन सुखाना पड़ेगा, यानी कि एक दिन पानी नहीं देना है ताकि जो मिट्टी है बिल्कुल सूख जाए। ये पौधा मैं दिखाता हूँ, उसमें पानी दूंगा मैं और खाना दूंगा, और उसके बाद भी देखते हैं इसके पिंचिंग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो सरसों की खली है ये देखिए, यहाँ पर आप लीजिए सरसों की खली, 2 टाइप की ले सकते हैं आप। ये जो छोटी खली यानी कि बड़े वाले दाने, इसको पिसाई करके ये बना हुआ है, ये भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा लेके आप इसमें डाल के इस तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद क्यों डिस्टर्ब करते हैं यार, ये करते हैं, और इधर ये लाके इसमें आपको पानी डाल देना है। इसको आपको 4 दिन भिगोना है। 4 दिन भिगोने के बाद देखिए आपको जो है इस तरह का बन जाएगा आपको। अरे बार बार जाओ, अरे भाई तुम क्या क्या है, अरे ये देखिए, ये आपका 4 दिन बाद इस तरह का आपका लिक्विड बन जाएगा, और इसको आपको लेने के बाद आपको पानी में भिगोना है, इस तरह से डालना है। पानी में डालने के बाद आपको देखिए इस तरह का ये लिक्विड बन जाएगा, एकदम पतला जो है ये खाद बनाना है आपको। 4 से 5 दिन आपको भिगोना है, और ये जो लिक्विड एकदम पतला 0.5% या 0.25% लेके आपको डालना है। चलिए हम पौधे में डाल के दिखाते हैं, जहाँ पर हमने एक दिन पहले आपको सुखा देना है, मिट्टी को सुखाने के बाद आपको ये करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो पौधे हैं ये देखिए, हमने कल पानी नहीं दिया था, मिट्टी बिल्कुल सूख गई है और पौधे भी थोड़े मुरझा सा गए हैं। इस टाइम आपको ये जो लिक्विड खाना है हमने जो बनाया है सरसों की खली का, ये थोड़ा सा देना है, पत्ते में नहीं गिरना है, ठीक नीचे जो है नीचे के हिस्से में मिट्टी में डालना है आपको। और ये डालने के बाद अगर आप चाहें तो सूखा खाना भी मैं दिखाता हूँ आपको, सूखा खाना देना चाहें तो सूखा खाना कैसे देंगे। ये जो है ये देना है। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्या करना है। ये देने के बाद अगर आप चाहें कि आपके पास सरसों की खली का लिक्विड खाद नहीं है तो मैं सूखा खाना जो है वो भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। ये वहाँ देखिए सरसों की खली हमने कल डाल दी थी, इसमें ये सरसों की खली तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सूखा खाना अगर देना चाहते इसमें थोड़ा सा NPK 10-26-26 जो है यूरिया सुफोला दे सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा चाहे DAP दे सकते हैं उसके साथ सरसों की खली, वो खाना मैं दिखाता हूँ वो देख सकते हैं। तो उसके बाद पिंचिंग कैसे करना है, इसको कटिंग कैसे लगाना, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है अभी। दोस्तों अगर आप सरसों की खली का लिक्विड खाद नहीं बनाना चाहते तो या देना नहीं चाहते तो आप दूसरा एक खाना बनाता हूँ। ये है सरसों की खली, ये पाउडर है, और ये 10-26-26 है। तो ये 4 हिस्सा ये लीजिए, एक हिस्सा 10-26-26 लीजिए, ये NPK है 10-26-26, इसको मिला लीजिए।
और आपको लेना है आधा चम्मच, एक एक पौधे में डालना आधा चम्मच। वो भी देने का तरीका दिखाता हूँ मैं, एक साइड में गमले के एक साइड में दीजिए, चारों तरफ आपको बुरकाने की जरूरत नहीं है, इतना सा दीजिए आधा चम्मच, एक एक साइड में देके जैसे पानी आप डालते हैं उसी तरह से पानी डाल के रख दीजिए आपको। और 10 दिन तक कोई खाना नहीं देना पड़ेगा। और ये पौधा देखिए इसका साइज जो है बहुत फास्ट ग्रोथ होगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो है आपको पिंचिंग करना है। पिंचिंग करने की तरीका मैं बताता हूँ, नीचे कम से कम 4 से 6 पत्ता होना चाहिए। ये जो पत्ता है ये 4 से 6 पत्ता होना चाहिए। देखिए ब्लेड से आप काट लीजिए, हाथ से आप पिंचिंग कर सकते हैं नाखून से, लेकिन सबसे अच्छा रहता है अगर आपके पास ब्लेड हो, ब्लेड से आप काट लीजिए। और वो ब्लेड से काटने के बाद इसका आप क्या करेंगे ये भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ले लो, इतना लंबा लीजिए ताकि इसका कटिंग फिर से इसको ग्रो हो जाए। ये देखिए हम निकाल लेते और ये आपका, ये तो इससे नया पौधा बन जाएगा आपका। क्या हो रहा है ये, इसको क्या करना है यार, जाओ ना यार, इसका नहीं नहीं इसका नहीं, हटा हटा हटा। दोस्तों ये जो है हम कुछ पिंचिंग कर देते हैं, इसको पिंचिंग कहते हैं। इस तरह से देखिए ये जो 4 पत्ता है ना, यहाँ से देखिए नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी देखिए ये जो पत्ता निकल रहा है यहाँ से, ये जो है यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए यहाँ से पत्ता निकल रहा है, यहाँ से पत्ता निकल रहा है, ये यहाँ से काट देंगे ना तो यहाँ से नए नए ब्रांचेस होंगे, 4 ब्रांचेस आपके नए आ जाएंगे। और ये जो कटिंग आपने ली है ये कटिंग आप फिर से ग्रो कर लीजिए। कैसे ग्रो करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ इसी वीडियो में, दिखाता हूँ कि कैसे आप ग्रो करेंगे, वो भी एक अच्छा तरीका है। और ये है आपको टोटल ये 1000 फूल लेना है टोटल, तब आपको 8 बार पिंचिंग करनी है। 8 बार पिंचिंग करने से ये काफ़ी बूसी हो जाएगा और टाइम टू टाइम आपको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। ये जो हमने लिया अभी ये जो कटिंग, इसके नीचे के पत्ते थोड़ी से हटा दीजिए, हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। चलिए दिखाता हूँ इसको, ये जो बालू है ये रेत या बजरी, और इसके यहाँ पर छेद कर लीजिए आप, तो आपको बार बार पौधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हार्मोन पाउडर है, अगर आपके पास हार्मोन पाउडर है तो ये यूज़ कर सकते हैं, अगर हार्मोन पाउडर नहीं है तो बगैर हार्मोन पाउडर का भी आप कर सकते हैं। ये नया पैक खोल रहे हैं, वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी खर्चा आता है एक एक वीडियो शूट करने में, तो अगर आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो ये वीडियो चलेगा ज़्यादा। ये देखिए ये पाउडर है इसमें, और ये जो पाउडर है इसको नीचे स्टिक करके ये थोड़ा सा डाल के और ये आप सेमी शेड में रख दीजिएगा, सेमी शेड में रख दीजिएगा तो आपका ये कटिंग ग्रो हो जाएगी, 10-15 दिन में इसकी रूटिंग हो जाएगी और आपके पौधे बिल्कुल लग जाएंगे। ये देखिए पूरी हमने ग्रो कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हल्का सा पानी दे देना है और इसको रख दीजिए आप, और 10 से 15 दिन में आपको पूरी रूटिंग हो जाएगी। तो ये इतना सा तरीका बताया है, ये अभी 10 दिन बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको पास 10 दिन बाद फिर से मैं पार्ट 3 वीडियो लाऊंगा, जब यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे, यहाँ से जो मैंने कटिंग की है, ये जो मैंने कटिंग की यहाँ से, यहाँ जो पिंचिंग की, यहाँ से नए नए ब्रांचेस आएंगे। उसके बाद अभी मैं पूरा का पिंचिंग करने वाला हूँ, पूरा पिंचिंग करने के बाद ये नए नए ब्रांचेस आएंगे। 10 से 15 दिन बाद जब नए 4-6 ब्रांचेस हो जाएंगे तब से फिर से मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कि आपको क्या करना है। तो आप मेरे साथ चलते रहिए और वीडियो करते रहिए और पौधे भी लगाते रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।